नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे लोपामाइड दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उपयोगों के बारे में, साथ के साथ जानेंगे ये दवाई किन कंडीशंस में आपको उपयोग में नहीं लेनी है, इसके अलावा जानेंगे इसकी डोज के बारे में। तो इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं लोपामाइड दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग डायरिया में किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी लूज मोशंस हो जाते हैं, जो स्टूल पास करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है, जिसे डायरिया भी बोलते हैं। तो एक्यूट या फिर क्रॉनिक, एक्यूट का मतलब छोटे टाइम के लिए या फिर क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, यदि किसी को डायरिया है तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा यदि बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि ये किस तरीके से काम करती है। देखिए दोस्तों, डायरिया एक कंडीशन होती है जिसमें इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, स्टूल ज़्यादा पास होने लग जाता है और वो जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी लिक्विड वाली हो जाती है। तो दोस्तों ये दवाई दोनों पर एक्ट करती है, एक तो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है उसका जो मूवमेंट होता है उसको स्लो कर देती है, इसके अलावा जो वाटर कंटेंट होता है उसे भी कम करती है। डायरिया होता है या फिर लूज मोशंस जो होते हैं वो कम होने लग जाते हैं इस दवाई को लेने के बाद में। तो ये इस तरीके से हमारे शरीर पर काम करती है। और दोस्तों लोपामाइड जो होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। पेट में जब ये रिसेप्टर्स पर ये दवाई बाइंड होती है तो इंटेस्टाइन की जो मोर्टिलिटी है उसको कम कर देती है। तो बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, यदि देखिए दोस्तों किसी भी दवाई की जानकारी पूरी ज़रूरी होती है, अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, एलर्जी यदि किसी को है पहले इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा एक्यूट डिसेंट्री है, जो पेट में इन्फेक्शन है तो इस दवाई का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो उसके साथ यदि आप इसको ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप इसको लेके आप लूज मोशंस ख़त्म करना चाहते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, और एब्डोमिनल पेन विदाउट डायरिया है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, और 2 साल से कम बच्चों में इस दवाई का उपयोग वर्जित है दोस्तों। दोस्तों बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की इस दवाई को लेने के बाद में, देखिए दोस्तों ड्राउजीनेस, थोड़ा चक्कर आना, थोड़ा डिजीनेस थोड़ा हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यदि डायरिया कम करेगा तो कब्जी ये दवाई कर सकती है, क्योंकि लूज मोशन को कंट्रोल करेगी तो कब्जी ऑब्वियस सी चीज़ है कि हो सकती है। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट में गैसेस बन सकती हैं, इसके अलावा ड्राई माउथ देखने को मिल सकता है, और नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और एलर्जिक रिएक्शन भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हर पेशेंट में, मगर किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें दोस्तों। और दूसरी दवाइयों के साथ में इस दवा का उपयोग आप सावधानी से करें, और डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप कोई दूसरी और दवाइयां तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे ओपियोड एनाल्जेसिक है, एंटीस्टेमिनिक्स हैं, सिडेटिव्स, हाइपोनोटिक्स हैं। दोस्तों बात करें इसकी डोज़ की, तो 4 mg एक टाइम के लिए, और उसके बाद में इसकी जो डोज़ है 2 mg रख सकते हैं आफ्टर, जो यदि लूज मोशन फिर लगते हैं तो। मैक्सिमम जो इसकी डोज़ हो सकती है एक दिन में वो होती है 16 mg पर डे के हिसाब से। ओरली दोस्तों बात करें बच्चों, 2 साल से बड़े बच्चों में, तो 1 से 2 mg BID या फिर TID, मतलब BID मतलब 2 टाइम के लिए और TID मतलब 3 टाइम के लिए इसकी डोज़ रहती है। दोस्तों इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं और कैप्सूल्स भी अवेलेबल होते हैं। 2 mg के टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं और कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं 2 mg के। इसके अलावा लिक्विड 1 mg 5 ml भी अवेलेबल होते हैं। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर, मतलब जो मेडिकल स्टोर्स पे आपको ये दवाई अवेलेबल रहेगी। दोस्तों इस दवाई को लेने के बाद में स्टूल्स कितने आए वो मॉनिटर करना ज़रूरी है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देखना ज़रूरी है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस तो नहीं हो रहा है। दोस्तों यदि फीवर है और इसके साथ साथ ब्लड भी आ रहा है स्टूल में,
तो इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों ये एक इन्फेक्शन का जो एक अंदेशा रहता है इन कंडीशन में, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है पेट के अंदर, उसका अंदेशा रहता है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों ये था लोपामाइड दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।